दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सोलन द्वारा सोलन ऐतिहासिक ठोडो मैदान में खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में जिला सोलन की 16 सरकारी और गैर सरकारी आईटीआई से 373 प्रतिभागी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। जिला आईटीआई एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्यामलाल ने बताया कि 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 6 तरह की गतिविधियों में खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें कबड्डी का फाइनल मैच नालागढ़ और जोगो के मध्य हुआ, जिसमें नालागढ़ की टीम विजेता रही। बास्केटबॉल मैच का फाइनल सोलन और बद्दी के मध्य हुआ, जिसमें बद्दी टीम विजेता रही। वॉलीबॉल का फाइनल मैच सोलन और दिग्गल के मध्य हुआ, जिसमें सोलन टीम विजेता रही। खो खो का फाइनल मैच सोलन और अर्की के मध्य हुआ, जिसमें सोलन टीम विजेता रही। उन्होंने बताया कि 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता से 35 खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चयनित किया गया है। हाँ, ये जो 14वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता है, इसके जो मेन गेम्स हैं उनके सारे फाइनल हो चुके हैं। कबड्डी का जो फाइनल मैच है वो गवर्नमेंट आईटीआई नालागढ़ वर्सेज आईटीआई जोगो रहा, जिसमें मॉडल आईटीआई जो गवर्नमेंट की है वो जो है फर्स्ट आई है। बास्केटबॉल में जो फाइनल मैच है वो आईटीआई सोलन वर्सेज बीटीटीआई बद्दी के बीच में हुआ, जिसमें बीटीटीआई बद्दी जो है वो विनर रही। उसके अलावा जो वॉलीबॉल का मैच है वो गवर्नमेंट आईटीआई सोलन वर्सेज गवर्नमेंट आईटीआई दिग्गल के बीच में हुआ, जिसमें गवर्नमेंट आईटीआई सोलन जो है वो विनर रही। और अगला जो इवेंट थी वो वॉलीबॉल के बाद था खो खो। खो खो में भी जो है वो गवर्नमेंट आईटीआई सोलन वर्सेज गवर्नमेंट आईटीआई अर्की के बीच में हुआ, जिसमें गवर्नमेंट आईटीआई सोलन जो है वो विनर रही। इसके बाद अब हमारा जो है एथलेटिक्स का जो शेड्यूल है आज जो है वो लगभग दोपहर तक कंप्लीट हो जाएगा, और जो इस खेल आयोजन का जो समापन है वो आज 4 बजे रखा गया है, जिसमें डीसी महोदय जो है वो उसमें जो है वो भाग लेंगे। अगर सर बात की जाए तो कितने बच्चों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए सिलेक्शन आ गया? हाँ, ये जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है इसके लिए 35 कैंडिडेट जो हैं वो हमें जो सिलेक्ट किए हैं, जो वहाँ के लिए जो है वो खेलने के लिए जाएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट।